हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने किया है भर्ती के नियमों में बदलाव। इस वीडियो में जानेंगे क्या है नए नियम और कैसे होगी नई भर्ती प्रक्रिया और किन किन परीक्षाओं पर यह प्रक्रिया लागू होगी। तो हाल ही में कमीशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोसीजर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट रूल्स 2018 को किया गया है अमेंड। यह नए नियम उन सभी पदों की भर्ती परीक्षाओं पर लागू होंगे जिनका सिलेबस और प्रोसीजर कमीशन के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया है। नए नियम 20 मई 2020 के बाद नोटिफाइड भर्ती परीक्षाओं पर ही लागू होंगे और इससे पहले नोटिफाइड भर्ती परीक्षाओं पर इन नियमों को लागू नहीं किया जाएगा। यह नए नियम उन भर्ती परीक्षाओं पर लागू होंगे जिनमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, मतलब जिनमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और उसके बाद सीधा इंटरव्यू लिया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में जो आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसको अब SAT यानी सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाएगा। SAT यानी सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 260 नंबर का होगा। इसमें आपसे 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका कुल नुकसान 2.5 नंबर का होगा, जिसमें 2 नंबर जो आपको प्रश्न को ठीक करके मिलने वाले थे वो नहीं मिले और 1/4 यानी 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो गई। SAT यानी सेट को क्वालिफाई करने के बाद आपका PT यानी पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए 140 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 260 नंबर के सेट और 140 नंबर के PT में उत्तीर्ण होने के लिए कुछ मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना आवश्यक है। सेट में यह लिमिट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 30% यानी कि 78 मार्क्स रखी गई है और रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 25% यानी कि 65 मार्क्स रखी गई है। PT यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट में यह सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 45% यानी कि 63 मार्क्स रखी गई है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इसको 35% यानी कि 49 मार्क्स तक रखा गया है। इससे पहले हम इस नई प्रक्रिया के सबसे जरूरी पहलू को समझें, आप अपने HP जनरल स्टडीज के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि कमीशन द्वारा दी गई बड़ी ही पेचीदा जानकारी को बड़े ही आसान शब्दों में आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक हमने जाना कि चुनिंदा परीक्षाओं के लिए 2 टेस्ट होंगे, सेट और PT। फाइनल मेरिट में आपकी सेट की वेटेज 65% रहेगी और PT की वेटेज 35% रहेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने वाली चीज है, इसको एक उदाहरण के साथ जानते हैं। मान लीजिए कि सेट में आपके 260 में से 130 अंक आए और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके 140 में से 105 अंक आए। सबसे पहले इन अंकों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। इस उदाहरण में इस हिसाब से सेट में आपके 50% मार्क्स आए और PT में आपके 75% मार्क्स आए। क्योंकि ओवरऑल मेरिट में सेट के स्कोर की वेटेज 65% है, तो इसमें आपके सेट के स्कोर की परसेंटेज के भी 65% को कंसीडर किया जाएगा। इस उदाहरण के हिसाब से कैलकुलेट करने पर आपका फाइनल मेरिट में सेट का स्कोर जो जुड़ेगा वह 32.5 होगा। फाइनल मेरिट में पर्सनैलिटी टेस्ट के स्कोर की वेटेज 35% है, तो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में जितने परसेंट मार्क्स आए होंगे उनका 35% ही फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। इस उदाहरण में हमने पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके 75% मार्क्स माने थे, तो 75 के 35% यानी कि 26.25 मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में पर्सनैलिटी टेस्ट के जुड़ जाएंगे। इस प्रकार इस उदाहरण में आपके फाइनल मेरिट में सेट के 32.5 मार्क्स जुड़े और PT के 26.25 मार्क्स जुड़े, तो 100 मार्क्स की फाइनल मेरिट में आपके 58.75 मार्क्स लगे। 100 मार्क्स की फाइनल मेरिट के हिसाब से ही फाइनल कट ऑफ तैयार की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों के नाम की सूची जारी की जाएगी। यदि फाइनल मेरिट में 2 अभ्यर्थियों के नंबर इक्वल यानी कि बराबर आते हैं तो जिसके पर्सनैलिटी टेस्ट में ज्यादा नंबर होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। यदि पर्सनैलिटी टेस्ट में भी दोनों के बराबर अंक पाए जाते हैं तो सेट में जिसके ज्यादा अंक होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। यदि दोनों के सेट में अंक भी बराबर पाए जाते हैं तो जिस अभ्यर्थी की उम्र ज्यादा होगी उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। कमीशन के द्वारा सेट यानी कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का पैटर्न डिफाइन किया गया है। इस पेपर में पूछे जाने वाले 130 प्रश्नों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में 30 प्रश्न होंगे, जिनमें से 20 प्रश्न हिमाचल प्रदेश के ऊपर, 5 प्रश्न भारत के GK के ऊपर और 5 प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय GK के ऊपर होंगे। पार्ट 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे। यह 100 के 100 प्रश्न आपकी पोस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स से होंगे। कमीशन के द्वारा पर्सनैलिटी टेस्ट का भी पैटर्न निर्धारित किया गया है। पर्सनैलिटी टेस्ट में 50% वेटेज आपकी जॉब स्पेसिफिक नॉलेज को दी गई है, मतलब 140 नंबर के पर्सनैलिटी टेस्ट में 70 नंबर आपके जॉब स्पेसिफिक नॉलेज पर आधारित रहेंगे। एक्सपीरियंस और उच्च शिक्षा के लिए 10% वेटेज दी गई है, मतलब आपके जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस और उच्च शिक्षा के लिए 14 अंकों में से अंक दिए जाएंगे। हिमाचल GK की वेटेज 40% रखी गई है, मतलब हिमाचल GK के मार्क्स 56 मार्क्स में से लगाए जाएंगे। कमीशन द्वारा यह नई प्रक्रिया भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लाई गई है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ते थे और केवल पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स के आधार पर ही नौकरी दी जाती थी। इस अपारदर्शी प्रक्रिया पर कई बार अभ्यर्थियों के द्वारा सवालिया निशान खड़े किए गए थे। इसे दूर करने के लिए सबसे पहले सेट की वेटेज को फाइनल मेरिट में 65% निर्धारित किया गया है। कमीशन के द्वारा पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए हैं। इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को रोल नंबर की बजाय सीरियल नंबर से बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में मार्क्स सिर्फ सीरियल नंबर के अगेंस्ट लगाए जाएंगे, उनको
आपके रोल नंबर के बारे में नहीं पता होगा। इंटरव्यू में आपसे कोई भी ऐसी जानकारी जिससे कि आपकी पहचान उजागर हो सके, जैसे आपका नाम, आपका पता, नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यू में आपसे निर्धारित पहलुओं पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब कि अब प्रश्न सिर्फ टू द पॉइंट होंगे। इंटरव्यू लेने के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें एक चेयरपर्सन, एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव और एक एक्सपर्ट होगा। बोर्ड में सदस्यों की संख्या पद के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। किस कैंडिडेट का पर्सनैलिटी टेस्ट कौन सा बोर्ड करेगा, इसका निर्धारण रेंडमली किया जाएगा। पर्सनैलिटी टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन प्रत्येक कैंडिडेट के लिए समान रहेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपसे किस सीक्वेंस में बोर्ड मेंबर्स प्रश्न पूछेंगे और एक मेंबर कितने समय के लिए प्रश्न पूछेगा, इसका निर्धारण बोर्ड का चेयरपर्सन करेगा। आप निर्धारित नौकरी के लिए सुटेबल हैं या नहीं, इसका निर्धारण डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। निर्धारित नौकरी के लिए आपके ज्ञान की परख सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा की जाएगी। पर्सनैलिटी टेस्ट में प्रत्येक मेंबर के द्वारा आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ ग्रेड दिए जाएंगे। प्रत्येक मेंबर आपको 8 ग्रेड में से एक ग्रेड देगा। यह 8 ग्रेड बिलो एवरेज, एवरेज, एवरेज प्लस, गुड, गुड प्लस, वेरी गुड प्लस और आउटस्टैंडिंग हैं। एवरेज के लिए 2 अंक, गुड के लिए 3 अंक, वेरी गुड के लिए 4 अंक और आउटस्टैंडिंग के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए बोर्ड के एक मेंबर ने आपको वेरी गुड ग्रेड दिया, दूसरे मेंबर ने गुड प्लस दिया, तीसरे मेंबर ने एवरेज प्लस दिया और चौथे मेंबर ने वेरी गुड ग्रेड दिया। बोर्ड का चेयरपर्सन सबसे पहले इन ग्रेड्स को इनके रिस्पेक्टिव मार्क्स में कन्वर्ट करेगा, जैसे वेरी गुड के 4 अंक, गुड प्लस के 3.5 अंक, एवरेज प्लस के 2.5 अंक और वेरी गुड के 4 अंक। फिर इन सभी को जोड़कर आपके ओवरऑल अंक निकाले जाएंगे। फिर इन अंकों को बोर्ड के मेंबर्स की संख्या से डिवाइड करके आपके एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके द्वारा अर्जित एवरेज मार्क्स के कोरस्पोंडिंग आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का फाइनल ग्रेड बनेगा। इस फाइनल ग्रेड के कोरस्पोंडिंग 140 नंबर में से आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में से मार्क्स लगा दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको यह पेचीदा प्रक्रिया समझ आ गई होगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पेचीदा प्रक्रिया को आपको आसानी से समझाने के लिए हमारी टीम के द्वारा बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। कमीशन के द्वारा उठाए गए इस कदम से 3-4 बातें स्पष्ट हो गई हैं। एक, कि निकट भविष्य में परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी, तो एक काम आपने आज ही कर लेना है कि कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है। राइट साइड में ऊपर की तरफ अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। यहां आपने 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट, बाकी आपके जितने भी और कोई क्लेम्स हैं उन सबके सर्टिफिकेट्स आपने ऑनलाइन अपलोड कर देने हैं। इसके अलावा जब आप कंसर्न्ड पोस्ट के लिए सेट की परीक्षा देने जाएंगे, उस समय भी आपने इन सभी सर्टिफिकेट्स की फोटो कॉपी अपने साथ लेकर जानी है और वहां जमा करवानी है। अब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वह सिर्फ पेपर के टाइम ही जमा हुआ करेंगे, बाद में उनको जमा करवाने के लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। कमीशन द्वारा आंसर की में अपलोडेड गलत प्रश्नों की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी समय सीमा का निर्धारण किया गया है। यदि परीक्षा ऑनलाइन हुई है तो गलत प्रश्नों की रिप्रेजेंटेशन भी ऑनलाइन माध्यम से ही सबमिट होगी। रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा। यदि परीक्षा ऑफलाइन होती है तो यह समय 7 दिनों तक का होगा। केवल सिविल जज के एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन की समय सीमा 3 दिनों की रखी गई है। कमीशन द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट में बताई गई हर एक बात को इस वीडियो में बहुत ही आसानी से आपको समझाया गया है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए नई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्ञान के मुक्त और मुफ्त प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थियों के साथ भी जरूर शेयर करें। ऐसी ही गुणवत्तापूर्ण जानकारी भविष्य में पाते रहने के लिए आपके अपने चैनल HP जर्नल स्टडीज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपके अपने पेज HP जर्नल स्टडीज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। यदि कमीशन की इस नई भर्ती प्रक्रिया पर आपको अभी कोई शंका या डाउट है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और गुणवत्तापूर्ण जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राम सत।